सलमान खान के घर फायरिंग, हमलावरों को दी गई थी बड़ी सुपारी, 1 लाख रुपए एडवांस भी मिले थे। पुलिस ने कई खुलासे किए। मुंबई में सड़क किनारे लगी भीषण आग, दर्जनों झुग्गियां जलकर हुई खाक। बेटी को बचाने के लिए मिथुन बीजेपी के साथ गए, पलटवार में अभिनेता ने कहा मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। राहुल गांधी जो कहते हैं उसे ज्यादा मूल्य ना दें, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा। भाजपा के खिलाफ संविधान वो है जो संघ के प्रमुख लिखते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत, केस में पुलिस ने दी क्लीन चिट। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा माधवी लता के खिलाफ। कंगना रनौत बरसाती मेंढक हैं, कल वापस मुंबई चली जाएंगे, विक्रमादित्य सिंह ने कहा। जेल में अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, अतिशी आम आदमी पार्टी। उद्धव को मुंबई में नहीं मिलेगी 1 भी सीट, अमित ठाकरे ने किया बड़ा दावा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय। सलमान का मामला, महाराष्ट्र के CM से बिश्नोई नाखुश, समुदाय को बदनाम करने के लिए माफी की मांग। डॉन की बेटी बनेगी मुंबई की मेयर, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने दिया समर्थन। मुंबई में ब्रिटानिया कंपनी के पास गोदाम में लगी भीषण आग, आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सलमान खान फायरिंग केस में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक और आरोपी, बिश्नोई गैंग से जुड़ा बड़ा कनेक्शन। नवी मुंबई में कलंबोली में पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ एक को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार ने 10 सालों में बहुत काम किया, इस कारण से विपक्ष में हताशा है, शिवसेना शिंदे गुट के नेता। मुंबई में हीट वेव से 16 दिनों में 100 से अधिक पक्षी और जानवर प्रभावित। ये विश्नोई जो भी है, एकनाथ शिंदे के बयान पर भड़का विश्नोई समाज। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने एक्टर सलमान खान से मुलाकात की। मुंबई में सलमान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर 2 लोगों द्वारा की गई फायरिंग के पश्चात उन्होंने सुरक्षा का आश्वासन दिया था। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में गिरोह हिंसा के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया और तथा कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंबई में कोई गैंग युद्ध नहीं है, अंडरवर्ल्ड का मुंबई में कोई स्थान नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है। एकनाथ शिंदे ने कहा ये विश्नोई जो भी है, हम इस लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को खत्म कर देंगे जिससे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे से माफ़ी मांगने का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड में बिश्नोई समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुछ अपवादों के चलते पूरी बिश्नोई समाज को खत्म करने का बयान एक CM के द्वारा आना शर्मनाक है। CM को बिना शर्त बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए।